लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर जमकर हमला बोला है। महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब शरद पवार सोचते थे कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक एक दिन बोले कि नहीं, मैं तो यहाँ राज्यसभा में ही खुश हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शरद पवार जी भी जानते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। पीएम मोदी ने कहा कि शरद पवार साहब देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक रहे हैं। वो कोई भी काम बिना सोचे विचारे नहीं करते। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा के चुनाव के टाइम भी मोदी जी ने वर्धा से अपने रैली की शुरुआत की। इसी को देखते हुए 2019 में भी महाराष्ट्र के वर्धा से पहले प्रचार की शुरुआत की है। इस समय महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ शिवसेना के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर ये भी आरोप लगाया है कि अपने भतीजे के हाथों हिट विकेट हो चुके हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि इसरो को अब से कुछ देर पहले एक बड़ी ऐतिहासिक सिद्धि हासिल की है और इस सिद्धि के लिए, इस उपलब्धि के लिए मैं हमारे अंतरिक्ष के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। आज जब आप घर जाएंगे तब टीवी पर देखेंगे पीएसएलवी C-45 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके 5 देशों की 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। जब पहले इस प्रकार के प्रयोग होते थे, सैटेलाइट लॉन्च करने की प्रक्रिया होती थी, तो उसकी दीर्घा गैलरी में कुछ सिलेक्टेड लोगों को आने की सुविधा होती थी, वही उसको देख पाते थे। लेकिन देश में विज्ञान की ओर रुचि बढ़े, हमारे वैज्ञानिकों के प्रति आदर भाव बढ़े, इसे ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अब जब इस प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च होंगे तो सामान्य नागरिकों के वहां बैठने की व्यवस्था की जाएगी, उनको उस परीक्षण में आने के लिए सुविधा दी जाएगी और हमारे वैज्ञानिकों की और देश की इस महान सिद्धि को वे भी अपने आंखों से देख पाए। आज उसकी भी शुरुआत हुई, सैकड़ों की तादाद में आज लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने भारत के इस कीर्तिमान को अपनी आंखों से देखा है। मैं इस उपलब्धि के लिए देशवासियों की तरफ से सबसे पहले अपने वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। मन पर विराजमान सब महानुभावों का नामों का मैं उल्लेख नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी ने विस्तार से सबका परिचय करवा दिया है और इसलिए मैं ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना